देखो क्वेश्चन है, एक यूनिफॉर्म बार है ऑफ लेंथ 6a एंड मास 8m, एक रोड है ये, मास 8m है, लेंथ 6a है, लाइज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे ये रोड है, टू मासेस m एंड 2m मूविंग इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन विद द स्पीड 2v एंड v रिस्पेक्टिवली, इसकी स्पीड यहाँ पर v है और इसकी जो स्पीड है यहाँ पर ये 2v है, ठीक है, स्ट्राइक द बार, बार से यानी रोड से टकराती है एंड स्टिक द बार आफ्टर द कोलिजन, और ये चिपक जाती है। एक तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, सिंपल लीनियर वेलोसिटी पूछे क्या हो जाएगी, तो पहली बात तो ये हॉरिजॉन्टल में हो रहा है सारा का सारा, वर्टिकल में नहीं हो रहा, ऐसे रखा हुआ है, ये रोड भी ऐसे रखी हुई है, ये सेंटर है, एक बोल ऐसे आई है और एक बोल ऐसे आई है, तो ऐसे घूमना शुरू हो जाएगी, वर्टिकल में मत सोचना आप, हॉरिजॉन्टल में हो रहा है पहली बात, हर जगह स्मूथनेस है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ये वाली जो स्पीड दी हुई है ये जस्ट टकराने से पहले की स्पीड दी हुई है, ये मत सोचना कि टकराने से जस्ट पहले तो उसकी स्पीड थोड़ा कम ज़्यादा हो चुकी हुई है, ऐसा नहीं है, इसकी भी जस्ट टकराने से पहले की स्पीड दी हुई है, थोड़ा सा अलग से तो बनाना ही पड़ेगा ना, थोड़ा दूर, ठीक है ना, बिल्कुल पास बना देता तो फ़र्क ही नहीं पता लगता, हालांकि बिल्कुल पास है अभी। अब सुनो, लीनियर वेलोसिटी आपको निकालनी है इसकी, तो लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, और पूरा एक सिस्टम मान लिया इन दोनों बोल्स को और इस रोड को, इन तीनों को मिला के क्या मान लिया मैंने, एक सिस्टम, इन तीनों को मिलाकर एक सिस्टम मान लिया गया, तो इसके अंदर अब आप पूरे सिस्टम पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगा दोगे, ठीक है ना, कैसे लगेगा, इसके अंदर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पहले एल इनिशियल पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, ऐसा लिखोगे आप, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, P इनिशियल कितना हो जाएगा इसका बताइए, P इनिशियल हो जाएगा 2m into v, ये P इनिशियल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, नीचे की तरफ क्या मान लिया मैंने, नीचे की डायरेक्शन को माइनस मान लेते हैं और ऊपर को प्लस प्लस मान लेते हैं, नीचे नेगेटिव एंड ऊपर पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा करो 2m into v, ये आ जाएगा नीचे की तरफ माइनस का ना, और फिर ये ऊपर की तरफ, ऐसा करते हैं नेगेटिव ऊपर के लिए पॉजिटिव, प्लस का m into 2v, प्लस का m into 2v, ठीक है, और प्लस का जीरो इज इक्वल्स टू, पूरे सिस्टम का मास हो जाएगा 8m, 2m और m, कितना हो जाएगा टोटल 8 और 2 10 और 11 11m हो जाएगा इनटू v, v कॉमन vc, ये जीरो हो गया, जीरो इज इक्वल टू 11m vc, तो vc की वैल्यू जीरो आएगी, मतलब सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम तो कहीं भी नहीं जाएगा, मोमेंटम कंजर्व्ड है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, और लीनियर मोमेंटम पहले भी जीरो था बाद में भी जीरो है, क्योंकि जितना इस तरफ था उतना ही ऊपर था, तो लीनियर मोमेंटम पहले भी जीरो था बाद में भी जीरो, यानी सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी जीरो होगी। इसने ये पूछा था फर्स्ट पार्ट में, इस क्वेश्चन के फोर पार्ट्स हैं, इस क्वेश्चन के फोर पार्ट्स हैं, तो इस फोर पार्ट्स के अंदर देखिए आप, पहला पार्ट तो हो चुका ही है, ठीक है ना, फोर पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, फर्स्ट पार्ट हो चुका है, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या आएगा बताइए, फर्स्ट पार्ट के अंदर जीरो आएगा, सेंटर मास की वेलोसिटी जीरो, क्योंकि जितना मोमेंटम नीचे की तरफ है उतना ही मोमेंटम ऊपर की तरफ है, ठीक है। उसके बाद है एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द सेंटर ऑफ मास, एंगुलर वेलोसिटी बतानी है सेंटर मास के अबाउट कितनी हो जाएगी, एक काम करो L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल करोगे आप, L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल, बताइए इसके अबाउट, इसका हो जाएगा एम वी आर, इसका हो जाएगा एम वी आर, इस पॉइंट के अबाउट मास है 2m, वेलोसिटी v और ये a, और ये इस सेंस में घुमाने वाला है पूरी रोड को, ये वाली जो है इसका एंगुलर मोमेंटम ये इस तरफ है, ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमाने वाला है, ये आएगा आपके पास, और इसका कितना आएगा, ये भी ऐसे ही घुमाएगा क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव साइन होते हैं, फॉर एंटी क्लॉकवाइज
Probability positive for anti-clock, 5 cents positive, ठीक है, positive sign होगा, और इसके लिए भी, m into 2v into 2a, ये हो जाएगा, road angular momentum 0 था पहले, घूम ही नहीं रही थी, अब पूरे system का I लिखोगे आप, ठीक है, ये बताइए आप, इसका इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2m a square, मास है 2m, डिस्टेंस है a, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस बॉल का, इस वाली बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m into 2a का स्क्वायर प्लस इस रोड का, इस रोड का आएगा 8m into में 6a का स्क्वायर पाई में 12, 8m into में 6a का स्क्वायर बाय 12, ठीक है, into में का यहाँ आएगा 6mva is equals to यहाँ पर आएगा ये 2ma square plus में 4ma square plus में 24ma square बनेगा, ये solve करोगे तो आप, ठीक है, यही बनेगा into omega, तो 6mva is equals to 4 2 6 और 24 30ma square into omega, m से m गया, a से a गया, तो omega की value आ जाएगी 6v upon में 30a v upon 5a, ये आएगी angular velocity, और ये anti positive आ रही anti clockwise sense में आएगी, positive आ रही है ना anti clockwise sense में, yes, इस पार्ट में कोई डाउट, इस पार्ट में डाउट है, कोई शक, एंगुलर वेलोसिटी आ गई, टोटल काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन सिर्फ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाली होगी, जो भी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी प्रोसेस में, फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिख रहा हूँ मैं, के ई फाइनल हाफ आई, आई लिखना पड़ेगा पहले पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम का आई लिखा था हमने, गिरा 30 ma square लिखा था, है ना, 30 ma square, आई तो ये हो गया ओमेगा, पूरे सिस्टम का ओमेगा v upon 5a, बाद में ये हो जाएगी पूरे सिस्टम की, तो यहाँ पर आएगा ये 15 ma square into v square divided by 25 a square से a square गया, थ्री वी स्क्वायर बाय फाइव आएगा, थ्री वी स्क्वायर, थ्री एम वी स्क्वायर बाय वी फाइव, थ्री बाय फाइव एम वी स्क्वायर हो जाएगा, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास, थ्री बाय फाइव एम वी स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, अब आपको बताना है लॉस, लॉस इन एनर्जी, एनर्जी में लॉस कितना होगा, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, अब लिखना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फिर लॉस, तभी तो पता लगेगा ना, लॉस जो है निकालने के लिए आप इनिशियल माइनस फाइनल करोगे, पहले इनिशियल लिख लो आप, के इनिशियल, चाहे आप हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पहले तो बताया गया इसमें तो सिंपल ट्रांसलेशनल मोशन हो रही है, काइनेटिक एनर्जी सीधा भी लिख सकते हो, पहले तो सिर्फ ट्रांसलेशन वाली हाफ एम वी स्क्वायर, पहले वाली की हाफ इंटू इसका मास है 2m वेलोसिटी v, 2m वेलोसिटी v प्लस इसका मास है m वेलोसिटी 2v इसका स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, एम वी स्क्वायर प्लस में 2m v स्क्वायर, यानी कितना आएगा यहाँ पर, ये 3m v स्क्वायर आ जाएगा, दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, अब इनका डिफरेंस लेना है, लॉस निकालना है आपको, लॉस के ई इनिशियल माइनस में के ई फाइनल, इनिशियल हो जाएगा 3 एम वी स्क्वायर माइनस में 3 बाई 5 एम वी स्क्वायर, यानी कि 15 में से 3 चला गया 12 एम वी स्क्वायर बाई 5, 12 एम वी स्क्वायर बाई 5, दिस इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी,
यस, कोई डाउट है किसी के मन में? यस माइक, तो इसमें ना समझ में नहीं आता कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल कब लेना है और फाइनल माइनस इनिशियल कब लेना है। हमेशा ही फाइनल माइनस इनिशियल लेना होता है, और आप हमेशा ही फाइनल माइनस इनिशियल लो, और अगर यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल लोगे तो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव का मतलब लॉस हो गया, बस इसमें ऑलरेडी लॉस बोल दिया इसने, तो हम ताकि आंसर नेगेटिव ना आ जाए उसको बचाने के लिए मैंने इनिशियल माइनस फाइनल ले लिया, बाकी आप कन्फ्यूज मत हो, आप हमेशा ही फाइनल माइनस इनिशियल ले लो हमेशा ही, और नेगेटिव आए तो इसका मतलब लॉस हो गया बस, ठीक है।